Well, I feel this quarantine time has kind of given all of us a lot of time to do the things that we didn't have the time for. You know what I mean? We always have the time. We just have to make time. And it's kind of got me back to writing poetry, which I used to, but not very often. And after a very long time, I've written something in Hindi and just a few lines, which I thought I'd share with you all. So it goes like, भाग रहा है तू जैसे वक्त से आगे निकल जाएगा, भीड़ में गुम होकर भी खुद को तन्हा ही पाएगा, तो थम जा, ठहर जा, मेरी परवाह किए बिना खुशियां खरीदने में लगा है, याद रख लकीरें तेरे हाथों में है, पर मुझसे भी जुड़ाई धागा है, कुदरत हूं मैं अगर मैं लड़खड़ाई तो ये धागा भी टूट जाएगा, हवा पानी मिट्टी के बिना तू कैसे जिंदा रह पाएगा, तो थम जा, ठहर जा। आई रियली होप इट मेड सेंस टू यू द वे इट डिड टू मी, बिकॉज आई हैव बीन थिंकिंग दैट हम अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, इतना तेज भाग रहे हैं, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक गोल से दूसरे गोल, एंड वी आर ऑलवेज इन अ हरी एंड वी फॉरगेट टू थिंक अबाउट वॉट वी आर डूइंग टू आर एनवायरमेंट, वॉट वी आर डूइंग टू आर मदर नेचर, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दैट। एंड अभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया है, डोंट यू थिंक सो? एटलीस्ट आई फील दैट वे। वेल, आई एम गोना ट्राई एंड पुट माई थॉट्स इन टू वर्ड्स अ लॉट मोर ऑफन एंड शेयर इट विद यू ऑल, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बी रिस्पॉन्सिबल, थम जा, ठहर जा।